2024 लोकसभा चुनाव को लेकर देश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज है। ऐसे में सभी देश की राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसी सियासी माहौल के बीच अभी अभी ताजा ओपिनियन पोल सर्वे जारी हुआ, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकती है। तो आइए देश की 543 लोकसभा सीटों को राजबार और जिलेवार जानते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी के खाते में, किस राज्य में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। तो आइए सबसे पहले राज्य की बात करती है। पहला राज्य है महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में आती है। यहाँ पर अगर कुल लोकसभा सीटों की बात करें तो 48 लोकसभा की सीटें हैं। इन 48 लोकसभा की सीटों में से अगर बात करें कांग्रेस पार्टी के इंडिया एलायंस के खाते में 27 सीटें जाने का मान है, जिसमें कांग्रेस पार्टी एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना एनडीए गठबंधन में शामिल है। तो उस लिहाज से देखें तो जो महाविकास अघाड़ी है कहीं न कहीं जुआ बीजेपी के एनडीए पर बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए गठबंधन की अगर बात करें बीजेपी के, तो इस बार महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 20 सीटें जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी खाते में एक सीट जाती हुई नजर आ रही है। अभी आगे बात करती है तमिलनाडु की। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। इन 39 सीटों में से अगर बात करें एमके स्टालिन की पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया एलायंस के खाते में, तमिलनाडु की 39 सीटों में से इस बार 32 सीटें आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में जाने का अनुमान है। तो वही बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में इस बार महज 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो 5 सीटें जाने का अनुमान है। अभी आगे बात करते हैं बिहार की। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। इन 40 सीटों में से अगर बात करें लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी है आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन इंडिया के खाते में बिहार की 40 सीटों में से इस बार 24 सीटें जाने का अनुमान है। तो वही बात करें इंडिया गठबंधन की, जिसमें नीतीश कुमार की जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी उसके बाद रणनीतिक मार्जिन मनी नितिन मांझी की पार्टी है कहीं न कहीं एनडीए का हिस्सा है। उस लिहाज से देखें तो बिहार में 16 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इस बार के समीकरण अगर बिहार में बात करें तो आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में काफी उलट नजर आ रहे हैं। वहीं अन्य पार्टी दिखाती में कोई भी सी जाती हुई नजर नहीं आ रही है। अपनी अगली राज्य और देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। कहा जाता है कि देश की केंद्र की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश हो जाता है, लखनऊ होकर की जाता है, क्योंकि 2014 और 2019 इसका जीता जागता उदाहरण है, जब बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के दम पर ही कहीं न कहीं 2 बार जो में केंद्र की सत्ता हासिल की है। तो कुल मिलाकर अगर यहाँ पर लोकसभा सीटों की अगर बात करें तो 80 लोकसभा की सीटें आती है। इन 80 सीटों में से अगर बात करें कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के इंडिया एलायंस की खाते में इस बार टीपी सीटें जाने का अनुमान है। तो वही बीजेपी की एनडीए गठबंधन की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से इस बार 45 सीटें जाने का अनुमान है। पिछले चुनाव में बीजेपी को यहां पर 62 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इस बार कहीं न कहीं घाटा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर बात करें अन्य की, अन्य के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है, जिसमें मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी शामिल है। अब यहां पर 541 की लोकसभा की सीटों में से इन राज्यों को देखने के बाद अगर बात करें इंडिया एलायंस के खाते में 116 सीटें जाती भी नजर आ रही है। तो वही बीजेपी के एनडीए गठबंधन की खाते में 83 सीटें इस ओपिनियन पोल में कहीं न कहीं जाती की निगरानी है। वहीं अन्य पार्टी के खाते में 8 सीटें जाने का अनुमान है। अभी अगली राज्य की बात करें नाराज है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। इन 42 सीटों में से अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की इंडिया एलायंस के खाते में इस बार 6 सीटें जाने का अनुमान है। पिछले चुनाव में पश्चिम बंगाल में अगर अकेले दम पर यहां पर भी कम्युनिस्ट पार्टी ने चुनाव लड़ा तो 2 सीटें हासिल हुई थी। वही बात करें बीजेपी की एनडीए गठबंधन के घाटी में पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से 10 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने यहां पर 18 सीटें जीती तो कहीं ना कहीं 8 सीटों का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा। वहीं अगर अन्य की बात करें में टीएमसी पार्टी नहीं, ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी अकेले यहां पर चुनावी मैदान में, पहले वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा थी लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर कि टीएमसी पार्टी की बात इंडिया गठबंधन के साथ नहीं बनी। इस लिहाज से अगर देखें तो ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला या तो कुल मिलाकर रद्दी की ममता बनर्जी की पार्टी को लगा दे, उसके अलावा दी के अन्य पार्टियों को, तो पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से 26 सीटें जो है वो कहीं नहीं जाती हुई नजर आ रही है। वही आगे बात करती है कर्नाटक की। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं।
इन 28 सीटों में से अगर बात करें कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस की खाती में 18 सीटें जाने का अनुमान है, तो वही बीजेपी की एनडीए गठबंधन की खाते में 10 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर बात करें अन्य की घाटी में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। यहां पर अगर देखें तो इस बार इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में बढ़त बनाती हुई नजर आ रही। बीजेपी ने पिछली बार 25 सीटों पर जीती थी। अगली बार बीजेपी की पर सरकार की, इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकारें, तो सीधा सीधा फायदा युवा कांग्रेस पार्टी को होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस ने तरीके से कहीं तो नई जान, जो कहीं कहीं कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए थी तो वहीं से उनकी कार्यकर्ता हो या उनकी भुंतर सपोर्टर हो, तो कहीं कहीं नहीं जान वो कांग्रेस पार्टी में कर्नाटक से ही पड़ी है। बात करती है केरल की। केरल में लोकसभा की सीटें और यह भी सीट कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठजोड़ की खाती में इस बार जाती भी नजर आ रही, क्योंकि केरल की वायनाड सीट से को राहुल खुद राहुल गांधी को चुनावी मैदान में पिछली बार भी काफी अच्छी माध्यम से यहां पर जीत हासिल हुई थी। वही एनडीए का यहां पर और अन्य पार्टियों का केरल में इस बार भी जो खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अभी आगे बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं। इन 26 सीटों में से अगर बात करें इंडिया लेंस के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का ऐलान जो इंडिया गठबंधन के साथ है, उस लिहाज से 4-5 सीटों पर कहीं न कहीं बीजेपी को लिए बड़ी चुनौती यहां पर बंटी हुई नजर आ रही है। सीटें फिलहाल इस ओपिनियन पोल में कहीं न कहीं दिखे तो इंडिया ने ऐसी खाते में जाने का अनुमान है। बीजेपी के एनडीए गठबंधन की घाटी में कई सीटें जाती हुई नजर आ रही है कि तरीके से बीजेपी का स्टोन जो ने गर माना जाता है हमेशा नरेंद्र मोदी और तरीके से पूरी बीजेपी का। वही अगर बात करें अन्य के खाते में गुजरात में कोई भी सी जाती हुई नजर नहीं आ रही है। अभी आगे बात करते हैं स्थान की। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। इन 25 सीटों में से अगर बात करें इंडिया एलायंस चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के खाते में महज 5 सीटें जाने का अनुमान है। वही बीजेपी के एनडीए गठबंधन की घाटी में राजस्थान की 25 सीटों में से 20 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही अन्य पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब इन राज्यों को देखने की बात, अगर फाइनल ओपिनियन पोल की यहां पर बात करें अब तक की राज्य देखने की बात, तो 168 सीटें इंडिया लेंस के खाते में जाने का अनुमान है, तो वही बीजेपी के एनडीए गठबंधन की घाटी में 146 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। पार्टी के खाते में 34 सीटें जाने का अनुमान है। तो इंडिया एलआईसी तरीके से इस बार आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी की एनडीए गठबंधन पर बड़ा बनाता हुआ नजर आ रहा है। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें होती। सीटों में से अगर बात करें कांग्रेस पार्टी के इंडिया एलआईसी खाते में 9 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं बीजेपी के एनडीए गठबंधन की खाती में अगर बात करें तो 20 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में अगर बात करें तो कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। यहां पर अगर देखें तो मध्य प्रदेश में काफी जो है वो कहीं न कहीं जूद समाजवादी पार्टी हो, इसके बाद आम आदमी पार्टी हो, तो सब मिलकर इसमें इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, तो उस लिया से कहीं न कहीं 9 सीटों पर इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी एनडीए को इस बार नुकसान होता हुआ कहीं न कहीं मध्य प्रदेश में नजर आ रहा है। वहीं आगे बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें। इन 17 सीटों में से अगर बात करें इंडिया लाइफ के खाते में 12 सीटें जाने का अनुमान है। किया पर कांग्रेस पार्टी की अच्छी बहुमत के साथ जो सरकार बनी है, तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी को यहां के फायदा होता नजर आ रहा है। बीजेपी के एनडीए के खाते में यहां पर अगर बात करें तो 2 सीटें जाने का अनुमान है। पिछले चुनाव में 4 सीटें यहां पर जीती थी। और वहीं बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में भी 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है कि यहां पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, उसके अलावा चंद्रशेखर की पार्टी टीआरएस, उसके अलावा मायावती का बैलेंस भी जो कहीं न कहीं टीआरएस के साथ हो गया है। तो 3 सीटें कुल मिलाकर तेलंगाना की 17 सीटों में से अगर की घाटी में या नहीं इन पार्टियों के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं आगे बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा में लोकसभा की एक किसी तरह की सीटों में से अगर बात करें इंडिया एलआईसी खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी के गठबंधन की खाते में 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर अन्य पार्टियों की बात करें अनुपात की घाटी में 12 सीटें जाने का अनुमान है। यहां पर अगर बात करें तो बीजू जनता दल यहां पर सत्ता में, नवीन पटनायक यहां की मुख्यमंत्री है, तो उस लिहाज से अगर दिखे अकेली चुनावी मैदान में है तो कहीं न कहीं 12 सीटें बीजू जनता दल के खाते में जाती भी नजर आ रही है। अभी आगे बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों में से अगर बात करें इंडिया एलायंस के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहां पर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी जो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो इंडिया का हिस्सा है, इसलिए भी बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। और अरविंद केजरीवाल की अगर हम बात करें तो वह ईडी की रडार पर के विवरण को अरेस्ट कर लिया गया है और उनको इस समय जेल में बंद कर दिया गया है।
फिलहाल की जो समीकरण बनते आ रहे हो, जो मंत्री भी नजर आ रहे हो, कहीं नदी इंडिया लाइव के साथ साथ, क्योंकि पिछले चुनाव में अगर हम बात करेंगे तो इंडिया कांग्रेस पार्टी ने अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ा। उसके अलावा आम आदमी पार्टी ने भी अकेले चुनाव अपने हक के लिए चुनावी मैदान में थी। कुछ कुल मिलाकर यहां पर एकजुट होकर लड़ाई तो कहीं न कहीं हार पर जुए को समीकरण बदलते हुए इस बार नजर आ रही है। वहीं आगे बात करते हैं, हरियाणा दी हराया हमें। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें इंद्र सीटों में से, अगर बात करें कांग्रेस पार्टी के इंडिया लेंस के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है, तो वही भाजपा के खाते में बीजेपी या एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यहां भी आम आदमी पार्टी कार्यालय सिंधिया गठबंधन के साथ होने के साथ बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बनती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य की घाटी में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब यहां पर अगर बात करें यही फाइनल इन राज्यों को देखने की बात, तो 200 सीटें कहीं न कहीं इंडिया ने सिखाती में जाने का अनुमान है कि सुपीरियर पोल के अनुसार, तो वही 183 सीटें भाजपा की एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टी के खाते में 49 सीटें फिलहाल जाती हुई नजर आ रही है। तो इंडिया गेट व ईंधन और बीजेपी के एनडीए गठबंधन के बीच अगर देखें तो कांटे की टक्कर इस बार होती हुई नजर आ रही है। अभी आगे बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। इन 13 सीटों में से अगर बात करें कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस के खाते में 12 सीटें जाने का अनुमान है, तो वही भाजपा की एनडीए गठबंधन के खाते में सून सी जाती हुई नजर आ रही। अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। वही आगे बात करती है आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं। इन 25 सीटों में से अगर बात करें कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वही बीजेपी के एनडीए गठबंधन और टीडीपी जो पाती है चंद्रबाबू नायडू की बू, कहीं ना बीजेपी की एनडीए का हिस्सा है, उस लिहाज से 3 सीटें इस बार जाती आ रही है। पिछले चुनाव में बीजेपी का यहां पर खाता नहीं खुला था, इस बार 3-4 सीटें कहीं न कहीं अगर देखें तो एनडीए को इस बार मिलने का अनुमान है। वहीं अगर बात करें अगर की खाते में या जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी के खाते में नजर देखें तो ये अन्य में जो सीधे आंध्र प्रदेश की 25 सीटों में से कहीं न कहीं इस बार जाती हुई नजर आ रही है। वहीं आगे बात करते हैं असम की। असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं। इन 14 सीटों में से अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की इंडिया गठजोड़ की खाते में 8 सीटें जाने का अनुमान है, तो वही भाजपा के एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती दिख रही है, क्योंकि यहां पर अगर दी के तो भाजपा की सरकार है और हेमंत विश्व शर्मा यहां पर मुख्यमंत्री भी है, तो कई बार उनकी बयानबाजी इस तरीके की रहती है, तो उसे समीकरण काफी उलट यहां पर इस हुआ नजर आ रहे हैं। वहीं अन्य पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पहले हेमंत शर्मा कांग्रेस पार्टी में शामिल थी, उन पर कई तरीके ब्रसेल्स भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे, तो एक तरीके से यहां पर देखा जाए क्योंकि और जो अन्य पार्टियों के नेता है वह यदि की रडार पर आईडी का और सीबीआई की जांच लिए तो कहीं न कहीं बीजेपी यहां पर सवालों के घेरे में भी है। उस लिहाज से भी यहां के समीकरण काफी उलट जुड़े इस बार नजर आएंगी। अभी आगे बात करती है झारखंड की। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं। इन 14 सीटों में से अगर बात करें ने है जो यहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी की यूपीए की यहां पर सरकार है, उस लिहाज से देखें तो एनडीआरएफ के खाते में 8 सीटें जाती दिख रही है। भाजपा के एनडीए के खाते में इस 5 सीटें जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की खाते में 1 सीट जाती भी मेरा नजर आ रही है। यहां पर भी अगर दिखे तो कहीं न कहीं जो हेमंत सोरेन है वो यदि की डाक है और उनको इस बार इस समय वो जेल में है, तो जो सहानुभूति आदिवासी मुख्यमंत्री का इस तरीके से पद से हटाना, इस्तीफा देना, यह कहीं न कहीं जो है वह वहां की जनता है। आदिवासी मुख्यमंत्री होने के साथ सहानुभूति इंडिया गठबंधन के साथ और हेमंत सोरेन के साथ या फिर हाल फिलहाल नजर आ रही है। वहीं आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं। इन 11 सीटों में से अगर बात करें इंडिया लेंस के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है, तो वही भाजपा के गठन की खाती में 8 सीटें जाती दिख रही है। गया पर बीजेपी की सरकार अभी हाल ही में बनी है, तो सीधा सीधा फायदा पिछले चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन, 9 सीटें यहां पर बीजेपी ने यहां पर जीडीपी, तो इस बार 8 सीटें, 1 सीट का नुकसान कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। आगे बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में लोकसभा की सीटें। इन 5 सीटों में से अगर आंकड़े बीजेपी के एनडीए गठबंधन की घाटी में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, तो वही इंडिया के खाते में 1 ही जाने का अनुमान है। यहां पर अगर दिखे उत्तराखंड में कहीं न कहीं 1 सीट का नुकसान भाजपा को होता हुआ नजर आ रहा है, फिर भी स्टॉर्म जोन में फिलहाल नजर आ रही है। आगे बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें हैं और यह मणिपुर की दोनों ही सीटें कहीं न कहीं इंडिया अलायंस के खाते में जाने का अनुमान है। पिछले चुनाव में भी यहां पर कांग्रेस पार्टी के खाते में ये दोनों सीटें गई थी। ही आगे बात करते हैं गोवा की। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं। 1 सीट की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया सिखाती में जाने का अनुमान है, तो वहीं भी बीजेपी की एनडीए गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का मन नहीं है। अब यहां पर अगर बात करें इन राज्यों को देखने के बाद यहां पर इंडिया लेंस की बात करें तो 237 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी के अन्य के खाते में 209 सीटें जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों खाते में 72 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं
बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों में से अगर बात करें बीजेपी जेडीयू के खाते में एक सी जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया ने सिखाती में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अभी आगे बात करती है जम्मू कश्मीर के। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों में अगर बात करें कांग्रेस पार्टी के, इंडिया लाइन सिखाती में 4 सीटें जाने का अनुमान है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला की जो पार्टी है वो कहीं न कहीं इंडिया का हिस्सा है। उस लिहाज से बढ़त जो इंडिया गठबंधन की घाटी में जाती हुई नजर आ रही इन्हीं 4 सीटों के साथ सबसे बड़ा जो है वो अलायंस होता है यहाँ पर नजर आ रहा है। वही एनडीए गठबंधन की घाटी में एक सीट जाती हुई नजर आ रही है। पार्टी घाटी में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। वहीं आगे बात करते हैं पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों की, तो 11 लोकसभा की सीटें हैं। इन 11 सीटों में से अगर बात करें बीजेपी के गठन के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है, तो वही भाजपा की एनडीए गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टी के खाते में भी पूर्वोत्तर के अन्य जो 11 सीटें हैं में तो एक सीट अन्य के खाते में भी जाती हुई नजर आ रही है। वहीं आगे बात करते हैं अन्य केंद्र शासित प्रदेश की, तो 5 लोकसभा की सीटें यहां भी है। इन 5 सीटों में से अगर बात करें इंडिया लेंस के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है, तो वही बीजेपी के एनडीए गठबंधन की हाल ही में एक सीट इन अन्य केंद्र शासित प्रदेश की 5 सीटों में से जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टी भी खाते में कोई भी सीट जाने का मन नहीं है। अभी आगे बात करते हैं नहीं फाइनल ओपिनियन पोल की अगर बात करें, तो 543 लोकसभा की सीटों में से अगर ने इसमें ने बहुमत के आंकड़े की अगर बात करें, तो 272 सीटें चाहिए होती है ये केंद्र में सरकार बनाने के लिए। तो यहां पर बीजेपी के गठबंधन के खाते में अगर बागड़ी तो 220 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इन्हें काफी पिछड़ा हुआ इस बार आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी का एनडीए गठबंधन जो नजर आ रहा है, वही इंडिया से बड़ी चुनौती बनता हुआ नजर आ रहा बीजेपी के। केंद्र की मोदी सरकार के लिए 250 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर बात करें अन्य की, अन्य के खाते में 73 सीटें इस बार जाने का अनुमान है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में